तो इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर जो कि जबलपुर से मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रही है, जहां पर वृद्ध महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। लूट के दौरान गिरने से वृद्ध महिला के सिर में आई चोट। अस्पताल ले जाते समय वृद्ध महिला ने तोड़ा दम। तो वहीं धमापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर लूट के करते वक्त जो है महिला बाइक से गिर गई, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई और अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त जबलपुर से। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला था, किस तरीके से लूट की घटना हुई? जी नन्न जी, जिस प्रकार से एक तरफ कोरोना संक्रमण का दौर तेजी से चल रहा है, वहीं जो लुटेरे हैं वो भी अपने लूट करने की घटनाओं से बाज नहीं आ रहे हैं। ये गांवपुर थाना अंतर्गत एक मामला है, जहाँ एक अपनी दादी को लेकर एक जो व्यक्ति है वो जा रहे थे, वहां पर एक सीसीटीवी, दो लुटेरे आते हैं, पलटर समाज दो व्यक्ति आते हैं, उन्होंने एक महिला, जो महिला है 82 वर्षीय महिला है, रानी बाई के गले से जो चैन खींचने की कोशिश करती है। इसी दौरान जो रानी बाई का जो दुपट्टा है, साड़ी का पल्ला है, वो फंस जाता है। उसी दौरान जो महिला है वो नीचे गिरती है, नीचे गिरने से महिला के सर में काफी चोट आती है, जहाँ पर अस्पताल ले जाते समय डॉक्टर द्वारा नर्स घोषित कर दी। पर ये सारी घटना जो है पुलिस में शिकायत देने के बाद पुलिस ने हल्के में एक मामला दर्ज किया। पर जैसे ही जब पता चला तो सीसीटीवी कैमरे से जो आरोपियों की तलाश की जा रही है, जो दो बंदे थे जो लूट की चैन स्नैचिंग की घटना, ये उनकी तलाश की जा रही है। जो उसी के साथ साथ जो वृद्ध है महिला है जिनकी मौत हुई, उनके परिजन जो है थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि जो मामूली जो थाने में मामूली धाराओं तहत जो उनकी जो माँ के साथ जो उनकी दादी के साथ जो घटना घटी है, इसको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। इसी के आधार पर पुलिस अधिकारी कहना है कि जल्द ही सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश की जाएगी और जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी आनंद जी, धन्यवाद दिनेश मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त जबलपुर से, जहां पर लूट के वक्त वृद्ध महिला बाइक सवार बदमाशों ने महिला को गिरा दिया और जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई और अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने दम तोड़ दिया।